जय हिंद। कभी कभी आप सोचते होंगे कि भारत इतनी विविधताओं का देश है, यहाँ पे अलग अलग संस्कृति, अलग अलग के भाषा बोलने वाले, अलग अलग नेचर के लोग रहते हैं, और फिर भी सब में एक रूपता कैसे है और भारत आखिर चल कैसे रहा है। तो देखिए, भारत चल रहा है क्योंकि यह एक संविधान है। यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया हुआ एक संविधान है, एक विधि का कानून है जिसके अनुसार चल रहा है। यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चलती है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 का, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हमने आपको आर्टिकल 19 बता दिया है, आज हम लोग आपको आर्टिकल 20 के बारे में बता रहे हैं, जिसमें ये बातें हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध कर देता है या उस पर अपराध का आरोप लगा दिया जाता है, तब उसको क्या क्या संरक्षण मिलेगा। तो उसी से संबंधित हमारे संविधान में आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3, या 3 को रखा गया। और इसमें बताया गया है कि जिस पे आरोप लगा दिया जाए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, अपराध करने का अभियोग लगाने वाले पर लगने के बाद ही ये मिलता है। देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत FIR दर्ज करा देते हैं दूसरे पे, और सिर्फ FIR दर्ज कराने भर से ही उसको अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। ये कोर्ट स्पष्ट रूप से कहता है कि जब तक कोर्ट में उसको सजा नहीं दे दिया गया हो, जब तक उसको अपराधी मान करके सजा न दे दिया गया हो, तब तक वो अपराधी नहीं होगा। ऐसे अगर भारत में सिर्फ FIR दर्ज करने भर से और सिर्फ ट्रायल चलाने भर से अगर उसको अपराधी मान लिया जाता, तो पता लगता है कि आज पूरे भारत का जेल एकदम भरा होता खचाखच। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे पड़ोसी होते हैं जो किसी के पढ़ाई से, किसी के उत्थान से इतने जलने लगते हैं कि उस पर झूठा केस बना करके उसके साथ मारपीट करेंगे और झूठा केस डाल करके उसकी कैरियर को चौपट करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे सब जगह देखने को मिलता है। तो उसको कुछ ना कुछ तो अधिकार मिलना चाहिए ना। उसको संविधान बनाने वाले को पता था कि इस तरह से कांड होगा, तो उनको किस तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसी की बातें करता है ये आर्टिकल 20। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। आर्टिकल 20 में जो फर्स्ट आपका ये है, आर्टिकल 20 का पहला क्लॉज कहता है कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसको समझे नहीं समझे होंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, अपराध करने के समय जो व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के समय अगर कोई नियम चल रहा था, कोई लॉ काम कर रहा था, तो उस लॉ को अगर वह तोड़ता है तब वह दोषी है। और अगर वह दोषी है तो सजा भी उसको उसी लॉ के अनुसार, उस समय जो चल रहा था उसी के अनुसार उसको मिलेगा। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और किसी का वो हाथ तोड़ देता है, और अगर उस समय जो सजा देना था हाथ तोड़ने का, अगर मान लेते हैं हाथ तोड़ने की सजा 5 साल थी, 2022 में वो किसी का हाथ तोड़ दिया, सजा 5 साल थी, तो हाथ तोड़ना अपने आप में अपराध है, विधि का उल्लंघन हो गया। सजा कितना देना है? 5 साल देना है। लेकिन अगर कोई सरकार कोई कानून बना दे 2023 में जा करके, और वह कहे कि हाथ तोड़ने की सजा जो है अब से 6 साल हो जाएगी, 5 साल नहीं होकर के 6 साल की हो जाएगी, तो क्या उस व्यक्ति को 6 साल की सजा मिलेगी जो 2022 में ही किसी का हाथ तोड़ दिया? नहीं मिलेगा। उसको उसी समय में जो कानून चल रहा था ना, उसी के अनुसार उसको सजा मिलेगा, न कि बाद में बनाए गए कानून के अनुसार उसको पहले लागू नहीं किया जाएगा। क्योंकि कानून जब बनता है ना, उसको जब लागू किया जाता है, तो उसको उसी दिन से लागू माना जाएगा जिस दिन से संसद चाहेगी कि इसको लागू करना है। देखिए, संसद या विधायिका जो है वो 2 प्रकार का कानून बना सकती है। एक होता है भूतलक्षी, एक होता है भविष्यलक्षी। भूतलक्षी को अंग्रेजी में कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, और भविष्यलक्षी को कहते हैं प्रोस्पेक्टिव। तो संसद जो है ना, उसको भारतीय संविधान रोकती है भूतलक्षी कानून बनाने से। हालांकि ब्रिटेन में संसद को बहुत अधिकार है, संसद वहाँ बहुत शक्तिशाली होता है, वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन करने की भी शक्ति नहीं है ब्रिटेन में। लेकिन अमेरिका में संसद के उल्टा सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन भारत में दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। तो भारत में ऐसा किया गया है कि कोई भी कानून अगर आप बनाते हैं, अगर उसको भूतलक्षी लागू करते हैं अपराध वाला पे, तो लागू नहीं होगा। लेकिन अगर अपराध वाला पे छोड़ करके सिविल मामले में लागू करते हैं तो लागू हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर कोई टैक्स वैक्स लगाना हो और 2022 में वह कानून बनाए और कहे कि नहीं हम इसको 2020 से ही लागू मानेंगे, तो कर सकता है सरकार, लेकिन सिविल मामले में कर सकता है। एक टैक्स एक देश, इस तरह से करने के लिए कर सकता है।
अच्छा इसमें यह चीज है कि अगर सजा को कम करने का कोई कानून बना देता है संसद, मान लेते हैं जिस समय 2022 में हाथ तोड़ा 5 साल के लिए सजा था, और मोदी सरकार ने क्या किया 2023 में आकर के कहा कि अब हाथ तोड़ने की सजा जो है 5 साल नहीं होगा 2 साल ही होगा, तो ये 2 साल जो होगा तो यह व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। यानी कि अगर कोई ऐसा लाभकारी उपबंध कर दिया गया हो जिससे बेनिफिट मिलेगा उस अपराध करने वाले को, तो उसका लाभ उसको मिलेगा, नेगेटिव का नहीं मिलेगा, पॉजिटिव का उसको मिलेगा, हानि पहुंचाने वाला का नहीं लेकिन लाभ देने वाला का मिलेगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा संविधान है, इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है कि कोई निर्दोष ऐसा ना हो कि उसमें फंस जाए, तो उसके लिए यह है। लेकिन ये पुलिस पर भी निर्भर करता है कि वह केस का कैसा तहकीकात करता है। अगर वह बदमाशी करता है, घूस लेता है, भ्रष्टाचार करता है, तब तो फिर सारा मामला ही बिगड़ जाएगा। लेकिन पुलिस का रहना भी जरूरी है, आर्मी का रहना भी जरूरी होता है, अगर वो नहीं रहे तो समाज में अराजकता भी फैल सकता है, इसलिए उसका रहना भी जरूरी है। लेकिन नियम कानून और सबका अपना अपना एक दायरा है, सबकी एक मर्यादा है, एक सीमा है, एक कानून है, उसमें रहना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या कहता है आर्टिकल 20 का दूसरा क्लॉज, ये कहता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्टी। ये देखिए कानून का किताब में इस तरह से भाषा का प्रयोग होता है। इसका सिंपल मतलब है कि एक अपराध की सजा एक ही होगी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी कांड को कर दिया तो उसको अगर एक बार अभियोजित कर दिया गया है और एक बार उसको पनिश्ड कर दिया गया है, दंडित भी कर दिया गया उस सजा के लिए, तो उसको दोबारा उसी कांड के लिए, उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं मिलेगा। जैसे मान लेते हैं कि लालू प्रसाद जी है, उनको चारा घोटाला में पकड़ा गया। अब जानते हैं कि चारा घोटाला हो गया हमारे देश में और ये तो बहुत प्रसिद्ध केस है, उसमें लालू प्रसाद जी को सजा दिया गया, कहा गया कि शायद लालू प्रसाद जी भी उसमें इन्वॉल्व थे। अब वो जो सजा वो काट करके अगर जेल से बाहर निकलेंगे और वो कहेंगे अब हम जो है आराम से हम अपना चुनाव प्रचार करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है जो जिसको बड़ा ये लगेगा कि अरे लालू प्रसाद जी तो बाहर आ गए, फिर से दोबारा जा करके FIR दर्ज कराएंगे, फिर से कोर्ट जज नहीं कहेगा कि ओ लालू जी आप जो है ना बाहर घूम रहे हैं, बड़ा मजा ले रहे हैं, हम आपको फिर से सजा देंगे, एमरी फिर आइए 10 साल के लिए फिर सजा देंगे। तो लालू जी भी है, लालू जी को भी तो पता है ना अपना अधिकार, वो कहेंगे ना कि अरे जज साहब हमको सब पता है कि एक बार जब सजा मिलता है किसी अपराध के लिए तो दोबारा नहीं मिलेगा उसी अपराध के लिए, तो उनको मालूम है उनको नहीं मिलेगा, ये कोर्ट भी ये हमारा संविधान भी रोकता है, तो ये चीज़ आप समझ गए। लेकिन देखिए दोहरे दंड से संरक्षण जो है ना वो न्यायिक काम में ही मिलता है, कोई आपराधिक काम है कोई या कोई न्यायिक वाला है उसमें, लेकिन अगर कोई विभागीय कार्रवाई हो रहा है तो उसमें नहीं मिलेगा। मान लेते हैं एक उदाहरण लेकर के समझिए, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो लंदन से आ रहा था, ये सच्चा घटना भी है, वो लंदन से आ रहा था सोना लेकर के वो आ रहा था, उसको दिल्ली के मुंबई के एयरपोर्ट में पकड़ लिया गया, कस्टम वालों ने उसको पकड़ लिया। अब मुंबई में वो पकड़ा गया, उसका सोना जब्त हो गया, उस पर विभागीय कार्रवाई हो गई और उसके बाद उसको न्यायालय में भी उस पर FIR दर्ज हुआ और न्यायालय ने उस पर आराम से अभियोग लगा करके कहा कि भैया अवैध रूप से सोना लाने की सजा भी आपको मिलेगी। तो वो व्यक्ति कहा कि अरे ये तो डबल सजा हो जाएगा भाई, ये तो डबल जियोपार्टी से रोकता है भारत का संविधान, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, एक बार तो हमको आप सोना जब्ते कर लिए, उसने कार्रवाई कर लिया है कस्टम विभाग ने, तो अब आप क्यों कष्ट करिए, आप मुझे दोबारा क्यों सजा देंगे, न्यायालय को कहा। तो जज ने कहा कि तुमको पता नहीं है कि यह सिर्फ जो है अपराधों और न्यायिक प्रवृत्ति पर ही लागू होता है और विभागीय पर लागू नहीं होता है, सोना जब्त करना उस कस्टम वाले का ड्यूटी था, अब जो सजा मिलेगी न्यायिक वाला वो तो तुमको सामना करना ही पड़ेगा, तुमको ये फेस करना ही पड़ा, उसको इसका प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला। तो इसको आप समझ गए हैं एकदम अच्छे तरीके से। अब आगे देखिए तीसरा कहता है आर्टिकल 20 का क्लॉज 3, आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या होता है जी, ये है खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि रोका गया है व्यक्ति को कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे, यानी कि आपको ये अधिकार है, अगर पुलिस आपको उठा लेती है और कहेगा कि देखो तुम वहाँ एक गाड़ी गायब हुआ था, लगता है कि तुम ही चोरी किया है उस गाड़ी को,
तो आपसे कहेगा जबरदस्ती कि तुम स्वीकार करो कि तुम चोर हो, तुमने ही उसको चुराया है, लेकिन आपको भी अधिकार है। आप कहेंगे कि मैं क्यों स्टेटमेंट दूंगा भाई, हमको तो संविधान के आर्टिकल 20 में ये हमको संरक्षण मिला हुआ है कि हम अपने विरुद्ध गवाही नहीं देंगे। लेकिन पुलिस वाला क्या करता है, आपको पीटेगा, मारेगा, गाली देगा, आपको टॉर्चर कर देगा, इतना टॉर्चर कर देगा कि वो आपको स्वीकार करना पड़ जाता है। वो लिखवा भी लेता है, सिग्नेचर करा लेगा, अंगूठा का निशान ले लेता है, लिखवा लेगा कि हाँ हम ही गाड़ी उठाए थे, हम ही चोर है। लेकिन सोचिए कि पुलिस पीटती है, वो तो पीट पीट करके तो उसको कोयले कर लेती है। जय भीम नाम का फिल्म देखिएगा, पुलिस भी अत्याचार करती है। और ऐसे भी कोर्ट में अनेकों मामले आए हैं जिसमें कहा गया कि पुलिस बहुत ज़्यादा अत्याचार कर देती है। तो ऐसे पुलिस को अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि किसी व्यक्ति को पीट पीट करके वह कबूल करवा लेगा और बाद में कोर्ट में जाकर के सबूत पेश कर देगा कि देखो ये तो स्वीकार कर लिया है, अब इसमें तो कुछ करना है नहीं, स्वीकार कर लिया तो दे दीजिए सजा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट में जब जाएगा तो कोर्ट में जज फिर कहेगा कि तुम स्टेटमेंट दो कि तुमने सही में चोरी किया है कि नहीं किया है, तुम क्या कहना चाहते हो, आखिर जब हुआ वह कांड तो तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो वो व्यक्ति बोलेगा कि देखिए हम वहाँ थे ही नहीं, हमने चोरी ही नहीं किया है, हमको पुलिस वाला जबरदस्ती कबूल करवा लिया है मार मार करके। तो जज जो है वहाँ पे जो आप बोलेंगे वो उसी को मानेगा। यानी पुलिस अगर आपसे कुछ भी उगलवाती है, कुछ भी बुलवाती है, कहीं लिखवा लेती है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। कोर्ट में जो जज कहेंगे, जज के सामने जो आप कबूलनामा करेंगे जिसको रिकॉर्ड किया जाता है बजाबते, वह पक्का सबूत के रूप में इस्तेमाल होता है। इसीलिए अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो दे दीजिए, नहीं तो तोड़ देगी, वो तो काम ही करती है उसका तोड़ने का। तो ये चीज है, इसको आप समझ गए। लेकिन देखिए इसमें है कि खुद के विरुद्ध गवाही नहीं देने में अगर पुलिस चाहे कि आप या कोर्ट चाहे कि नारकोटिक्स वाला उस पर टेस्ट करेंगे, कोई होता है ना बहुत गंभीर तरह का अपराध कर दिया, पकड़ा नहीं रहा है अपराधी, तो नारकोटिक टेस्ट भी होता है। तो नार्को टेस्ट जो भी होता है वह भी एक प्रकार का सेल्फ इंक्रिमिनेशन हो गया, इसीलिए उसके लिए भी आप मना कर सकते हैं, पॉलीग्राफ के लिए भी मना कर सकते हैं, और डीएनए टेस्ट और या फिंगरप्रिंटिंग के लिए आप मना नहीं कर सकते। आपका मना करना नहीं करना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लेते हैं कहीं कोई अपराध हो गया, किसी का हत्या हो गया, और वहां पे अगर कोई साक्ष्य मिल रहा है दारू वारू पीने का, गिलास पे मान लेते हैं किसी का उसके हाथ का निशान पड़ा हुआ है, तो फिंगरप्रिंटिंग का तो करेगा ना पुलिस, पुलिस को तो छानबीन करना है। अगर वहाँ अपराधी जिसको पकड़ा है, जिस पे शक है, वो कहेगा कि फिर ये तो हमारा अधिकार है सेल्फ इंक्रिमिनेशन का नहीं करने का, तो भैया हम जो है हम गवाही हम नहीं देंगे टेस्ट आपको फिंगरप्रिंटिंग, तब तो अपराधी नहीं पकड़ाएगा। अपराधी को पकड़ने के लिए फिंगरप्रिंटिंग करना, डीएनए टेस्ट करना जरूरी होता है, इसलिए इसको आत्म अभिशंसन नहीं माना जाता है, इसको अपने विरुद्ध गवाही नहीं माना जाता है। तो पुलिस इसका प्रयोग कर सकती है और उसमें वो अपना काम कर सकती है। तो अब आप इस तीनों को समझ गए हैं, इसको एक बार और देख लीजिए। देखिए आर्टिकल 20 जो है ना, अपराध जो किए हुआ है व्यक्ति सिर्फ उसको संरक्षण देता है, बाकी को नहीं देता है। इसमें क्या क्या देता है, पहला देता है कि अपराध के समय का ही कानून लागू होगा, बाद वाला कुछ भी बनाया है वो लागू नहीं होगा। हाँ अगर बाद वाला सजा कम करने वाला लाभकारी प्रबंध है तो उसको मिल जाएगा। दूसरा बताता है दोहरे दंड से संरक्षण, यानी कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, एक ही बार उसको अभियोजित किया जाएगा, दोबारा नहीं, लेकिन विभागीय अगर कार्रवाई होता है उसमें ये लागू नहीं होता है। दूसरी बात है, तीसरी बात है देखिए आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी खुद के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। इसमें नारकोटिक्स, पॉलीग्राफ ये सब भी करवाने पर आप मना कर सकते हैं, लेकिन ये जो आपराधिक मामला है जैसे डीएनए टेस्ट होना है या फिंगरप्रिंटिंग होना है तो उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हैं। आपका मना करना नहीं करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी पुलिस करेगा। तो इसको आप समझ गए हैं।